देखिए दोस्तों, बैंगन के झाड़ के ऊपर आम आया हुआ है, मैंगोस। और ये बैंगन का झाड़ है पूरा, और उसके ऊपर आम लगे हैं। देखिए ये कई कई बैंगन भी लगे हैं। देखिए ये दोस्तों, ये वाला देखिए बैंगन है, और यही झाड़ पे देखिए ये इधर आम लगा है। दोस्तों ये आम देखिए, बैंगन के ऊपर आम, ये बहुत पहली बार देखा है। और ये हमारे चमत्कार हमारे खेत में हुआ है। और ये सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, ये आम नहीं है, ये एक्चुअली है ही बैंगन ही है। और दोस्तों ये पक गया है ये बैंगन, और पक के ये पीला हो गया है, और ये बैंगन ही है, आम नहीं है दोस्तों। सॉरी मैं थोड़ा आपके साथ मजाक कर रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे KM चौधरी लिखा है, चौधरी KM चौधरी के बाजू में दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब को आपको दबाना है। और बाजू में जो बेल आइकन की घंटी जो दिखेगी दोस्तों, उस पर भी प्रेस करना है आपको। और प्लीज़ प्लीज़ करके हमारे कपास की खेती की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना ही खेत है। बाकी अपने दूसरे अपने यहाँ फॉर्म पे दूसरे भाई का ट्रैक्टर लाया है, क्योंकि दोस्तों अपने ट्रैक्टर के पीछे जो पाटा रहता है, वो पाटा अपने पास नहीं है। तो पहले जुताई किया था तो बहुत बड़े बड़े मतलब ढले पड़े थे खेत में, तो बहुत दबा के कल्टीवेटर किया था तो बड़े बड़े ढले पड़े थे। तो अभी वो ढले तोड़ने के लिए वो पाटा लगाना ज़रूरी है। तो पाटा अपने पास है नहीं, तो दूसरे किसान भाई के ट्रैक्टर के यहाँ पाटा है, तो उनका ट्रैक्टर लाया है अपने खेत में। अभी वही पाटा लगा के खरेगा, पाटा लगाएंगे। मेन दिक्कत है दोस्तों कि मैंने कल्टीवेटर जो निकाला है उसमें बड़े बड़े ढले पड़ गए हैं, और वो ढलों को तोड़ने के लिए पीछे लकड़े का एक पाटा बनाते हैं, सावर, जिसको सावर बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, बाकी हिंदी में पाटा बोलते हैं, पाटा लगाना। तो वो पाटे का ही लगा रहे हैं दोस्तों, फिर उसमें खालियां निकालेंगे, उम्रा निकालेंगे कपास के लिए। और अभी किसान भाई खाद बिखेर रहा है, जो DAP का एक कट्टा लाया है वो बिखेर रहा है। थैंक यू।